आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एक वेट मशीन का वेइंग डिस्टर्ब हो चुका है, वेइंग सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं गड़बड़ा चुकी है, तो वो वेट ठीक नहीं कर रहा है। ये मशीन आपके सामने, टेबल टॉप मशीन, और इसको उठाएंगे तो जीरो करना पड़ेगा, इसको रखेंगे तो जीरो अप करना पड़ेगा, यानी कि जीरो से आपके सामने डिस्प्ले है। अब हम इसके ऊपर 2 किलो का वेट रखते हैं तो ये 2 किलो 500 ग्राम 2.500 kg वेट दिखाता है, जबकि इसके ऊपर 2 kg रखा हुआ है। अभी हमने इसको नॉर्मल कैसे करना है, यानी कि 2 kg को 2 kg कैसे दिखाएं, वेट सेट करने का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल जो होता है, आपको पता ही है कि 4 बटनों में होता है, या किसी के भी जितने भी बटन है वो बटनों में सॉफ्टवेयर कंट्रोल किया जाता है। तो अब इसमें कंट्रोल कैसे करना है, इस टेबल टॉप मशीन में कई तरह के कार्ड लगते हैं और मार्केट में हर तरह के कार्ड के अपने कोड हैं और अपने सॉफ्टवेयर स्टेप्स हैं, और इस पर्टिकुलर मशीन में जो एक कोड लगा हुआ, कार्ड लगा हुआ है, वो जो पीसीबी कार्ड लगा हुआ है वो है मास्टर कार्ड 0617, मॉडल 0617। अदरवाइज मार्केट में ये 150 आवर्स 150 घंटे के कार्ड के हिसाब से ज़्यादा फेमस किया गया है। तो इसका ऑन करते ही पहले डिस्प्ले चेक होता है, उसके बाद यहाँ डीसी करंट आ जाता है कि 6.47 वोल्ट करंट है, ये इसका एक मेन इंडिकेटर है कि इस कार्ड में ऐसा फंक्शन है। अब इसका डिस्प्ले 0.0 आ गया, वेट रखा 2.500, करना है हमने 2 kg। तो इसके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ बटनों की लोकेशन हमेशा स्टैंडर्ड रहेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी मशीन में इस बटनों की सेटिंग अपने हिसाब से कर देते हैं जो कीपैड से कनेक्ट होता है, यानी कि कार्ड। इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या है कि ये 2 बटन इकट्ठे दबाते हैं तो हम 2 बटन, राइट 0 वाला और लेफ्ट एम प्लस वाला, तो ये डिस्प्ले ब्लिंक होना शुरू होता है। तो हम इसके साथ फीड कर सकते हैं, नंबर फीड होते हैं, और इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ आ जाता है, और इसके साथ हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, और राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, यहाँ तक आ जाता है। अब हमने यहाँ ब्लिंक करना है, पहले पॉइंट पे लेके आना है, यहाँ हमने एक वेट इसका कोड फीड करना है। खास इस पर्टिकुलर कार्ड का कोड क्या था, वो कोड है 2, फिर 0 से शिफ्ट किया, 0 रहने दिया, फिर शिफ्ट किया, यहाँ आया तो यहाँ हमने 1 फीड कर दिया, फिर शिफ्ट किया और यहाँ 2 फीड कर दिया, तो 2012 कोड हमने इसमें फीड कर दिया। 0 बटन हम जैसे ही दबाएंगे तो ये लोड मांगेगा, लोड मांग रहा है, और पहले वाला लोड दिखा रहा है कि 2.500 लोड है, वो जो भी है उसको भूल जाओ। अब हमने इसको लोड फीड करना है कि लोड फंक्शन आ गया, अब हमने इसके ऊपर लोड रख देना है। अब लोड रखने के बाद हमने ये बटन दबा के इसको लोड फीडिंग मोड पे ले आना है कि लोड फीडिंग वाली विंडो आ गई है, अब हमने इसमें लोड फीड करना है। यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हमने यहाँ तक लेके आना है, 0 फंक्शन से शिफ्ट करते हुए यहाँ ले आना है। यहाँ लाने के बाद हमने इसमें वेट फीड करना है 2, जो हमारे पास है, फिर हमने शिफ्ट कर दिया, 0 रहने देना है, फिर शिफ्ट किया, 0 आ गया, फिर शिफ्ट किया, 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 किलो वेट है और 2 किलो ही हमने फीड कर दिया है क्योंकि हमने 2 किलो चाहिए, तो फिर 0 दबाया हमने, तो फिर ये लोड फीड हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप वाले फंक्शंस आगे के हैं, वो किसी और दिन और किसी और वजह से कभी डिस्कस करने पड़ेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ और आगे ले जाना है। फुल कैपेसिटी आ गया 30 kg और आगे डिस्प्ले वगैरह है, लेकिन अब इसी पोजीशन पे हम इसको 0.0 दबाते हुए सारा 0.0 करते हुए मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। अब ये मेन स्क्रीन पे आ चुका है, वेट मोड वाली विंडो पे 2.00 दिखा रहा है, 2 किलो पर रखा है, अब हमने हटाया 2.00 आ गया, फिर दोबारा रखे चेक किया 2.00 आ गया। अब ये मशीन प्रॉपर बैक टू नॉर्मल कंडीशन पे आ चुकी है और सही वेट करने लगी है। तो इस तरह से हम इसका वेट फीड कर सकते हैं, खास इस मॉडल में 0617 कोड वाले पीसीबी कार्ड में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड, इसी तरह के कुछ और फंक्शन से रिलेटेड कोई और आपको कभी प्रॉब्लम फील हो, या कोई भी आपकी दिक्कत हो, या कोई भी आपको बात पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि आपकी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।